जय हिंद, जय भारत। प्यारे नौजवान साथियों, ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसाम के डायरेक्टर भाई अजीत फौजी सुंगरपुरिया आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जिस भाई ने देश की सेवा करने का सपना अपने दिल में संजोया है, हम उसका सपना साकार करने में उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो आज मैं आपको एक रिलेशन और गेम की भर्ती के बारे में बताऊंगा। ये भर्ती कौन सा सेंटर करेगा, कब से भर्ती शुरू होगी, कौन कौन इस भर्ती में जा सकता है, किसके लिए लागू है, क्या क्या चीज़ चाहिए। इस चीज़ के बताने के पहले मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी एकेडमी हरियाणा के भिवानी ज़िला के अंदर तहसील तोसाम के अंदर है, जो कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पूर्व CM उनका निर्वाचन चुनाव क्षेत्र है तोसाम, TOSHAM तोसाम। तो आप इस एकेडमी में, हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स एकेडमी का, फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है और हमारा ट्विटर सब पर हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर प्रकार से। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 7056-390-909-7056-390-909, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। हम यहाँ पर आपको हर प्रकार की भर्ती की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी भर्ती के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CISF, BSF, ITBP, CRPC, पुलिस, किसी भी प्रकार की भर्ती के फिजिकल और टेस्ट की तैयारी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर गेम की सुविधा भी है। हमारे पास बॉक्सिंग, नेशनल कबड्डी, हैंडबॉल और एथलीट की तैयारी करवाई जाती है। हमारे पास कोच और वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। हमारे पास रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है। तो आप हमसे किसी भी समय हमारी एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका सपना साकार करने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। अब बताते हैं आपको इस भर्ती के बारे में, जो कि किस किस की भर्ती होगी। साथियों, ये भर्ती जो है UHQ इनरोलमेंट है। UHQ का मतलब होता है यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, यानी कि जिसका भी भाई या बाप फौज के अंदर है, फादर, उनके बच्चे और भाई ये भर्ती देख सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ओपन कोटा होता है स्पोर्ट्समैन का। तो ये भर्ती जो है सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और ये सिखलाई रेजिमेंट ये भर्ती करेगी। ये भर्ती 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक की जाएगी। इस भर्ती के अंदर सन ऑफ वारविडो, रियल ब्रदर, एक्सर्विसमैन, सर्विसमैन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की ये भर्ती की जाएगी। सिपाही GD के लिए ये भर्ती 9 नवंबर को, सिपाही ट्रेडमैन के लिए 10 नवंबर को और स्पोर्ट्समैन के लिए 11 नवंबर को की जाएगी। सिपाही GD के लिए पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के रेजिमेंट क्लास कंपोजिशन के उम्मीदवार आ सकते हैं। सिपाही ट्रेडमैन के लिए भी प्रदेश के सभी जाति के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। इसमें जो ट्रेडमैन है वो ओपन कास्ट है और किसी भी स्टेट का जा सकता है। रिलेशन जो सोल्जर, GD और ट्रेडमैन की भर्ती है, ये ओनली रिलेशन की है। रिलेशन होना चाहिए, किसी भी सेंटर का हो, लेकिन GD के लिए आपको बताया तो उन स्टेट का होना चाहिए। उसके अलावा सिपाही GD और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अच्छे स्पोर्ट्समैन सिपाही GD के लिए भर्ती, स्पोर्ट्समैन वाला ओनली सिपाही GD में ही भर्ती देख सकता है, ट्रेडमैन में नहीं देख सकता भाई। उसके लिए क्या है, सिपाही केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का स्पोर्ट्समैन कोटा वाले सिपाही ही भर्ती देख सकते हैं इसमें, जो खिलाड़ी हैं। और सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 2 साल से पुरानी नहीं होना चाहिए, जो उनके गेम का, और गेम का सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन पक्का होगी भाई इसके अंदर। ये नहीं कोई भाई ऐसे फर्जी स्कैन करवा के ले जाए तो उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। जब टेस्ट में आपकी डेट होगी, टेस्ट में बैठने की, टेस्ट से पहले गेम वालों की वेरिफिकेशन पक्का होगी। और जो खास करके टैटू जो मंडवाते हैं उन बच्चों के लिए भी इसने, सेंटर ने आदेश जारी किए हैं
कि जो टैटू जो वो आपका धार्मिक चिन्ह या नाम हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा शरीर के और किसी हिस्से पर ये टैटू किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा, टैटू कोई भी भर्ती में नहीं चलेगा। और जो उम्मीदवारों की जन्म तिथि है वो सिपाही जीडी के लिए 10 नवंबर 1999 से 9 मई 2003 के बीच होना चाहिए। सिपाही ट्रेडमैन के लिए 11 नवंबर 1997 से 10 मई 2003 के बीच होना चाहिए। और जो गेम कोटा के खिलाड़ी हैं उनके लिए जो उम्र है वो सेम सिपाही जीडी वाली होती है। जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।